हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AMU एंट्रेंस रिजल्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको एक गुड न्यूज देनी है और वो गुड न्यूज ये है कि AMU ने BTech NPR का एंट्रेंस रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम इसी के बारे में बात करेंगे, प्लस आपको बताएंगे BA, BSc एंड BCom का जो रिजल्ट है वो कब तक आने के चांसेस है, यानी कि किस दिन डिक्लेयर होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले हम आपको बताते हैं आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बीटेक का जो एंट्रेंस रिजल्ट है वो कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बीए, बीएससी एंड बीकॉम का जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होगा। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, वहां पे सर्च कर लेना है AMU कंट्रोलर। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको सिंपली AMU कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आप लोग नोटिस एंड अपडेट्स के नीचे पहला ऑप्शन देख सकते हैं, रिजल्ट ऑफ बीटेक एंड बीआर्क एडमिशन टेस्ट 2020 एंड 21। तो आपको यहां पे सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको सिंपली फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पर क्लिक कर देना है। उससे पहले आपको बता दें आप लोग यहां पे थ्री डॉट्स पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट ओपन कर लें, अदरवाइज आपको रिजल्ट देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आपको यहां पे सिंपली फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहां पे देख सकते हैं बीआर्क एंड बीटेक की लिस्ट दे रखी है। फर्स्ट ऑप्शन पे है आपकी बीआर्क, उसकी तीन लिस्ट है, सिलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो एंड स्पेशल कैटेगरी। और यहां पे आप लोग देख सकते हैं बीटेक के आगे पहली लिस्ट है आपकी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, सेकंड लिस्ट है वेटिंग यानी कि चांस मेमो, और थर्ड लिस्ट है आपकी स्पेशल कैटेगरी। तो यहां पे आपको सिंपली क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। यहां पे आप लोग देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू बीटेक सेशन 2020-21। यहां से आप लोग अपना रोल नंबर मैच कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। और काउंसलिंग कब होगी क्लास 11 साइंस एंड डिप्लोमा की और बीटेक की, वो हम कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे, तो थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। अब बात करते हैं बीए, बीएससी और बीकॉम का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो देखिए, बीटेक का जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था आपका 1 दिसंबर 2 दिसंबर के समथिंग, और जो आपका बीए, बीएससी, बीकॉम का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो हुआ था आपका 29 नवंबर के समथिंग, ठीक है। यानी कि 2 से 3 दिन के आगे पीछे का गैप था। जो आपका रिजल्ट है बीए, बीएससी, बीकॉम का वो 2 से 3 डेज के अंदर आ सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि कल या परसों तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। और जैसा कि आपको पता है डेली 3 से 4 रिजल्ट आ रहे हैं, आज भी 2 रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और तीसरा रिजल्ट बीटेक का आया है। तो हो सकता है कल बीए, बीएससी, बीकॉम में से 100% की एक का रिजल्ट जरूर डिक्लेयर होगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।